अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि आपने पढ़ी लिया होगा मेरे टाइटल के अंदर कि ये किस लिए बनाई गई है। ये स्पेशली न्यू मदर्स के लिए बनाई गई है और ये इसको बड़े बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास करके वो ख़वातीन जो अभी अभी न्यू मम्मी बनी हैं और उनके जो है बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन रहने लगा है, हड्डियों का पेन होता है पोस्ट डिलीवरी में, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं अक्सर ख़वातीन को, तो उनके लिए ये ख़ास रेमेडी है। इस पाउडर की ख़ास बात यह है कि ये आपके पेट को बढ़ने नहीं देगा, ख़ास करके पोस्ट डिलीवरी में जो लेडीज़ होती हैं उनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट बाहर आ जाता है, तो ये उसको बाहर नहीं आने देगा इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं, अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे, एक टेबल स्पून आप इसका लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ देखें मैंने फूल मखाने लिए हैं, ये मैंने लिया है 1 मग के करीब, और इसके अलावा मैंने जो बादाम लिए हैं वो है 100 ml, आप देख सकते हैं मैंने स्पून बराबर में रखा हुआ है, और ये मैंने थोड़े से अखरोट लिए हैं वो भी 100 ml हैं, और ये जो काजू लिए हैं वो भी 100 ml हैं, ये देख सकते हैं आप। सबकी क्वांटिटी मैंने बिल्कुल बराबर रखी है तीनों इंग्रेडिएंट्स की, और मैंने मखाने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और आसान रेमेडी है, आप इसको ज़रूर बनाएं अपने घर में। मैंने जो है वो पैन को थोड़ा सा हाई कर लिया है और इसको जो है मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, और ये चंद ही सेकंड के अंदर रोस्ट हो जाएंगे, ये देखिए आपको दिख भी रहे होंगे, और इसके अंदर मैं उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी ऐड कर दूँगी। इस रेसिपी से आपको जो है वो ठंड का मसला भी नहीं होगा, और इसके अलावा जो मदर फीड पे होते हैं बच्चे जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस रहती है वो मदर की वजह से रहती है ज़्यादातर, क्योंकि मदर फीड पे होते हैं, मदर से जो है जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ें खा लेती हैं जिसकी वजह से उनके पेट में जो है गैस होती है, इसी वजह से बच्चों को भी हो सकती है, तो ये जो है उसको गैस नहीं होने देगा और इससे बच्चे भी पुरसकून रहेंगे और मदर्स भी। अब ये मैंने मखाने इसके अंदर डाल के शामिल करके इसको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, ये देखिए इसको मुझे कलर चेंज होने तक पकाना है बस थोड़ा सा, ये देखिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, मैं इसको भी निकाल लूँगी। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने एक साथ कर लिए हैं, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 teaspoon के बराबर अजवाइन, और दूसरा इंग्रेडिएंट है ये सौंठ मैंने ली है 1 tablespoon के बराबर, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर ली है, अब मैं इनको पीस लूँगी। ये देखिए हमने ग्राइंडर में पीस लिया है इसको, और ये हमारा फाइन सा पेस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ये आपकी हड्डियों के लिए, और ये आपको ठंड नहीं लगने देगा, बहुत ज़्यादा इसके फ़वाद हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा आसानी से, अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप अकेली हैं तो आप इसको बनाइए और रोज़ाना दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए।